हाय ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विद आर सेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सर्विसेज नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। सो आवर नेक्स्ट सर्विस इज एडवोकेट सर्विसेज। सो हु इज द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस? प्रोवाइडर ऑफ सर्विस इज एडवोकेट इंक्लूडिंग द फर्म ऑफ एडवोकेट्स, राइट? और रिसीवर कौन है? रिसीवर इज अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। और फ्रेंड्स, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब हमने क्या समझा? जहां पे सीजीएसटी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और सीजीएसटी के प्रोविजंस कहाँ अप्लाई होंगे? इन इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सो इनडायरेक्टली टैक्सेबल टेरिटरी इज इंडिया। सो इस केस में वेयर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज और अ फर्म ऑफ एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज, तो अगर वो सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की है तो बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब फ्रेंड्स, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर ए जो है वो है सर्विस प्रोवाइडर, मिस्टर बी है सर्विस रिसीवर। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इस तरीके के जो कॉमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर वो सप्लायर और रिसीवर दोनों आउटसाइड द कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, तो इन डिस्प्यूट्स को आउटसाइड द कोर्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जरिए सेटल किया जा सकता है। अच्छा, वो कैसे होगा? फ्रेंड्स, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे। ये आर्बिट्रेटर्स मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के अग्रीमेंट से अपॉइंट होंगे। दोनों के बीच में एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा और उसके बाद क्या अपॉइंट होंगे? आर्बिट्रेटर्स। ये आर्बिट्रेटर्स जैसे कोर्ट में जजेस होते हैं, वैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में क्या होते हैं? आर्बिट्रेटर्स। तो ये लोग केस को सुनेंगे और उसके बाद जो आर्बिट्रेटर्स डिसीजन देंगे वो डिसीजन बाइंडिंग होगा ऑन बोथ मिस्टर ए एंड बी। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? ये क्या है? कॉमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट। मिस्टर ए और मिस्टर बी डिस्प्यूट को कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहते, आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो इस केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट करेंगे। उस अग्रीमेंट करने के बाद वो लोग आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे जो कि इस केस को सुनेंगे। ये जो आर्बिट्रेटर्स होंगे वो होंगे एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड्स, है ना? तो जिस नेचर का आपका डिस्प्यूट है उस नेचर में जिन लोगों की एक्सपर्टीज है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, उन लोगों को एज आर्बिट्रेटर्स मिस्टर ए और मिस्टर बी बाय म्यूचुअल कंसेंट अपॉइंट करेंगे। और ये दोनों आर्बिट्रेटर्स केस को सुनेंगे और डिसीजन पास करेंगे, और ये डिसीजन मिस्टर ए और मिस्टर बी पे बाइंडिंग होगा, और ये डिसीजन इन द कोर्ट ऑफ लॉ भी वैलिड माना जाएगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मिस्टर ए केस जीत गया और मिस्टर बी केस हार गया, तो इस केस में क्या होगा? क्या मिस्टर बी कोर्ट में अपील कर सकता है? हाँ, मिस्टर बी कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन का पर्पस जो है वो ये है कि कोर्ट्स में ज्यादा केसेस ना जाए और छोटे मोटे मामले इस आर्बिट्रेशन के थ्रू, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू सुलझा लिए जाए। तो कोर्ट्स भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, वो केवल वही केसेस एक्सेप्ट करेंगे जिसमें उनको लगता है कि कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है या फिर बहुत ही सीवियर मैटर है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ढंग से सुलझा नहीं पाई है। ठीक है, जो सिंपल छोटे मोटे केसेस हैं उनको मिस्टर ए और मिस्टर बी में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। कोर्ट उनको ऐसे केसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी क्योंकि इससे आर्बिट्रेशन का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता है। ठीक है, सो आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज लीगली वैलिड इन इंडिया, और छोटे मोटे कॉमर्शियल डिस्प्यूट सुलझाने के लिए इस तरीके की सर्विस का यूज किया जाता है। सो सर्विस प्रोवाइडर कौन है फ्रेंड्स इस केस में? इस केस में सर्विस प्रोवाइडर है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर्विस रिसीवर कौन है? सर्विस रिसीवर है बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी विल पे द टैक्स। समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स? सर्विस प्रोवाइडर इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विस रिसीवर इज बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी।
टेरिटरी। ठीक है, क्लियर है। यहां पे नीचे आर्बिट्रेशन का मीनिंग लिखा है, इम्पार्शियल थर्ड पार्टी दैट इज आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड हिज डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। हु इज सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर कैन बी एनी पर्सन। हु इज सर्विस रिसीवर? सर्विस रिसीवर शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ड्रीम इलेवन मान लेते हैं, क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या है एक कंपनी है। ड्रीम इलेवन बीसीसीआई से कहती है कि आपका जो इवेंट होने वाला है मुझे उसका मेन स्पॉन्सर बनना है। मतलब आपका इवेंट आईपीएल नहीं कहलाएगा, आपका इवेंट कहलाएगा ड्रीम इलेवन आईपीएल। आपका इवेंट में जो होर्डिंग्स लगाए जाएंगे वो होंगे ड्रीम इलेवन के होर्डिंग्स और इस आईपीएल को प्रमोट किया जाएगा आईपीएल के नाम से नहीं, ड्रीम इलेवन आईपीएल के नाम से। बीसीसीआई ने कहा ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिसाइड हुआ, एक कंसिडरेशन। तो मान लीजिए कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 250 करोड़। तो जो ड्रीम इलेवन है उसने बीसीसीआई को 250 करोड़ पे कर दिए और दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब इस केस में इवेंट को यानी आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम इलेवन। इवेंट का ऑर्गेनाइजर कौन है? बीसीसीआई। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? बीसीसीआई। इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम इलेवन, पैसे दिए ड्रीम इलेवन ने, किसको दिए? बीसीसीआई को। क्यों? ताकि उसका एडवर्टीजमेंट हो सके। ठीक है, जो इवेंट हो रहा है आईपीएल उसमें ड्रीम इलेवन का क्या हो सके? एडवर्टाइजमेंट हो सके उसकी। तो बीसीसीआई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इस केस में बीसीसीआई हुआ सर्विस प्रोवाइडर और ड्रीम इलेवन हुआ सर्विस रिसीवर, और ड्रीम इलेवन क्या है इस केस में? स्पॉन्सरर। और इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन है? बीसीसीआई। टैक्स कौन पे करेगा फ्रेंड्स? सर्विस रिसीवर विच इज ड्रीम इलेवन। तो ड्रीम इलेवन इस केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, तो उस केस में टैक्स पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज में, और वो टैक्स पे करेगा सर्विस रिसीवर जो कि हमारे केस में है बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो सभी सर्विसेज कवर नहीं किए, कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सी सर्विस को एक्सक्लूड किया है। सर्विस नंबर वन इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, बिलो मेंशन सर्विस प्रोवाइडर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट करता है, तो इस केस में बिजनेस एंटिटी को आरसीएम में टैक्स पे करना नहीं होगा। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के केस में भी आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। सर्विसेस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल। अब ये क्या चीज है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट हैज अ मिनिस्ट्री विच इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू मेंटेन, बिल्ड द एयरपोर्ट्स, to provide air navigation facilities, to provide passenger facilities, to provide security services, है ना, और भी कई सारी services ये airlines को provide करते हैं। तो ये जो services है जो Airport Authority of India provide कर रहा है aircraft को, उसी तरीके से port पे जो port की authority होती है ना, वो किसको service provide करती है? Vessels को। तो पोर्ट और एयरपोर्ट पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एयरक्राफ्ट और वेसल्स को, उन सर्विसेज पे इन एयरलाइंस को और वेसल्स की जो कंपनीज हैं उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना है।
ठीक है. सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर गवर्नमेंट, सो इट इज अ गवर्नमेंट एंटिटी. और एयरलाइंस क्या होती हैं? बिजनेस एंटिटीज. सो अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरक्राफ्ट को यानी एयरलाइंस को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है इनसाइड द पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और आउटसाइड द पोर्ट और एयरपोर्ट, तो उस केस में एयरलाइंस को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. फोर्थ देखते हैं, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज. इन सर्विसेज पे भी अगर ये सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है बिजनेस एंटिटी को, तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है, फाइन. नाउ इन केस अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट फॉर सर्विस रिसीव्ड इज लेस देन 5,000, then the service received would be treated as an exempt supply, that is no reverse charge mechanism. अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, आप कौन हो? बिजनेस एंटिटी. अगर आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जिसका वैल्यू 5,000 से कम है, वैल्यू डिराइव्ड एज पर सेक्शन 15, हमने जो वैल्यूएशन रूल्स में पढ़ा था, है ना. सो वैल्यू डिराइव एज पर सेक्शन 15 अगर 5,000 रुपए से कम है, तो उस केस में उस सर्विस को एग्जेम्प्ट माना जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. फाइन, क्लियर है. नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सर्विस कौन सी है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. किसको प्रोवाइड कर रहा है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट. अगर आप सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और अगर आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ले रहे हैं किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी से, तो इस केस में आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन. नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट. सर्विस रिसीवर इज कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. अच्छा, ये क्या केस है फ्रेंड्स? डायरेक्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि कंपनी के पेरोल पे होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं. दूसरे जो होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल्स, जिनको उनके प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करती है. तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये इनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का जो चार्ज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल फीस, और ये डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते. तो ये जो डायरेक्टर्स है जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं और कंपनी से प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं, उस केस में डायरेक्टर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो कंपनी जिसने डायरेक्टर से सर्विस रिसीव की वो रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर, सिंपल है. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंश्योरेंस एजेंट. अब फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस लाके देता है, बदले में वो क्या लेता है? इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन. तो ये जो कमीशन का अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी? इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट को. और ये जो कमीशन के अमाउंट पे जो टैक्स बनेगा, जो जीएसटी बनेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को पे कर देगी. ठीक है, क्लियर, सिंपल. नेक्स्ट इज रिकवरी एजेंट. आपने फ्रेंड्स सुना होगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक कई बार लोन देती है और लोन का पैसा वापस नहीं आ पाता है, पैसा फंस जाता है. तो उस केस में कंपनी क्या करती है? बैंकिंग कंपनी रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट करती है, जो बैंकिंग कंपनी को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, उनको क्या करती है? रिकवरी करने में हेल्प करती है. कौन हेल्प करता है रिकवरी में? रिकवरी एजेंट. तो रिकवरी एजेंट क्या लेगा? रिकवरी के बदले में कमीशन. कौन देगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसी. और जो टैक्स है वो ये कंपनी इस गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगी. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, सिंपल. नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग द राइट टू यूज और परमिटिंग द यूज ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क. सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ऑथर, जो कि किताब लिखते हैं, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक, मतलब इस तरीके के और लोग. सर्विस रिसीवर कौन है?
पब्लिशर जो बुक पब्लिश करते हैं म्यूजिक पब्लिश करते हैं, म्यूजिक कंपनी जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस करेगी म्यूजिक पब्लिश करेगी, प्रोड्यूसर ऑफ अ मूवी और द लाइक, यानी इस तरीके के और लोग, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब फ्रेंड्स ये क्या सर्विस है? मान लीजिए किसी ऑथर ने कोई किताब लिखी, ऑथर गया पब्लिशर के पास, ठीक है, मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने टैक्स पे कोई किताब लिखी, वो गया पब्लिशर के पास, पब्लिशर मतलब मान लेते हैं टैक्समैन, टैक्समैन क्या करता है, बुक्स पब्लिश करता है, तो जो ऑथर है उसका जो कंटेंट है वो कैसा कंटेंट है, कॉपीराइटेड कंटेंट, यानी उस कंटेंट को ऑथर की परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता है। लेकिन ऑथर ने क्या किया, जो कॉपीराइटेड कंटेंट है उसको यूज करने का राइट पब्लिशर को पास ऑन किया, पब्लिशर को पास ऑन करेगा तभी तो पब्लिशर उस किताब को पब्लिश करेगा अपने नाम से, टैक्समैन के नाम से पब्लिश करेगा, है ना। तो उसने क्या किया, ऑथर ने पब्लिशर के साथ अग्रीमेंट किया कि आप बुक पब्लिश करो आपकी कंपनी के नाम से और अंदर मुझे एज एन ऑथर क्रेडिट दे देना, मतलब मेरा नाम एज एन ऑथर बुक में मेंशन होना चाहिए। और इस अग्रीमेंट के बेसिस पे ऑथर ने जो बुक का जो कॉपीराइट था वो ट्रांसफर किया, उसका राइट टू यूज ट्रांसफर किया किसको, पब्लिशर को, पब्लिशर कौन है, टैक्समैन। अब इस बदले में टैक्समैन क्या करेगा, टैक्समैन ऑथर को पैसे देगा, किस फॉर्म में, रॉयल्टी के फॉर्म में, है ना। अगर 100 किताब बिकी तो उस किताब की कितनी वैल्यू आई, उसका कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी टैक्समैन किसको दे देगा फ्रेंड्स, ऑथर को दे देगा। तो इस केस में जो रॉयल्टी का अमाउंट टैक्समैन ने ऑथर को दिया उस पे जो टैक्स अमाउंट बनेगा वो टैक्समैन जो कि पब्लिशर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ आ रहा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, सर्विस रिसीवर कौन है, म्यूजिक कंपनी, पब्लिशर एटसेट्रा, ठीक है, जो सर्विस रिसीवर है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करेगा। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हनी सिंह ने मान लीजिए गाना बनाया, हनी सिंह चाहता है कि ये गाना या फिर टी सीरीज चाहती है कि ये गाना टी सीरीज अपने नाम से पब्लिश करे, ठीक है। तो हनी सिंह के गाने का जो कॉपीराइट है वो टी सीरीज ने परचेज किया, हनी सिंह से कहा कि जितने व्यूज आएंगे यूट्यूब पे या फिर जितनी कॉपी सोल्ड होगी, है ना, जितने लाइसेंसेस सोल्ड होंगे इसके, उसका कुछ परसेंटेज हनी सिंह को इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी मिलेगा। हनी सिंह ने क्या ट्रांसफर किया, कॉपीराइट ट्रांसफर किया, टी सीरीज ने क्या दिया उसको, रॉयल्टी, रॉयल्टी पे जो टैक्स बनेगा वो टी सीरीज गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अब ये प्रोविजन ऐसा ही था आपके नवंबर 19 एग्जामिनेशन तक। नवंबर 19 के बाद इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया कि जो ऑथर है, अगर ऑथर चाहे, केवल ऑथर के केस में, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और दूसरे लोगों के केस में नहीं, अमेंडमेंट किस केस में आया है, केवल ऑथर के केस में, अगर ऑथर चाहे तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट को एक डिक्लेरेशन सबमिट करके फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। मतलब व्हेन ऑथर गेट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर ऑथर जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है एंड फाइल्स अ डिक्लेरेशन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वो डिक्लेरेशन सबमिट करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि वो फॉरवर्ड चार्ज में अपसे टैक्स पे करेगा, मतलब उसको जो रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा उस पे वो जीएसटी कलेक्ट करेगा, किससे, पब्लिशर से, और वो अमाउंट ऑथर गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। देन पब्लिशर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब अगर ऑथर ने टैक्स कलेक्ट कर लिया रॉयल्टी अमाउंट पे और गवर्नमेंट को पे कर दिया तो पब्लिशर को वो टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन किसको दिया गया है, केवल ऑथर को, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और दूसरों के केस में ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, सर्विस रिसीवर इज आरबीआई। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई के, ये आरबीआई के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर वेरियस फंक्शंस, बट मेनली इनको अपॉइंट किया जाता है स्ट्रेस्ड एसेट के मैनेजमेंट के लिए, जो एनपीएज हो रहे हैं बैंक्स के, उनके मैनेजमेंट के लिए।
तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करने की, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? आरबीआई को। तो आरबीआई कंसिडरेशन पे करेगा इन मेंबर्स को और उस पर जो टैक्स बनता है वो सीधा गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर है फ्रेंड्स? फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म। अभी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस किसको? बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। अब ये फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का सिंपल काम है, ये बैंक्स को बिजनेस लाके देते हैं। किसी को लोन की जरूरत है ना, किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है, ठीक है, तो ये सब काम कौन करेगा? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स किसको बिजनेस लाके देंगे? बैंक्स को बिजनेस लाके देंगे। बैंक्स इनको क्या पे करेगा? बैंक या एनबीएफसी इनको क्या पे करेगा? कमीशन। कमीशन पे जो टैक्स अमाउंट होता है वो किसको पे करेंगे? कमीशन पे जो टैक्स अमाउंट होता है वो बैंकिंग कंपनी गवर्नमेंट को पे करेगी। ध्यान से पढ़ेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। मतलब जो सेलिंग एजेंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, एलएलपी नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म बैंक को बिजनेस लाके देते हैं तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म बैंक से कमीशन अमाउंट पे टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर। सर्विस रिसीवर कौन है? बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फ्रेंड्स अब बिजनेस फैसिलिटेटर बोलो या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बोलो, बात एक ही है। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्यों लाया गया? ये कंसेप्ट बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का लाया गया 2006 में, ठीक है। अभी कैसे लाया गया ये समझते हैं। इंडिया की 40% ऑफ द पॉपुलेशन को बैंकिंग का, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं था। अब इन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है? तो आरबीआई ने एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, दिस विल एक्ट एज इंटरमीडियरीज फॉर द बैंकिंग कंपनी। बैंक्स के लिए, बैंक्स के लिए ये लोग एज एन इंटरमीडियरी वर्क करेंगे और बैंक्स को रूरल एरिया से बिजनेस लाके देंगे। यानी रूरल एरिया के लोगों का अकाउंट ओपन करना, वहां पे अगर किसी को लोन चाहिए तो वो प्रोसेस करना। अब बिजनेस फैसिलिटेटर है वो बैंक के बिहाफ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, लोन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो केवल बैंक्स को क्लाइंट रिफर कर सकता है। मतलब इसको क्या मिलेगा? कमीशन। बिजनेस फैसिलिटेटर को भी क्या मिलेगा? कमीशन। फर्क केवल कितना है? फर्क इतना है कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक्स के बिहाफ पे प्रोसेस कर सकता है, पूरा काम कर सकता है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट केवल क्या कर सकते हैं? बैंक को क्लाइंट रिफर कर सकते हैं। ये आपके लिए नॉलेज के लिए था, आपको एग्जाम में बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो डिफरेंस है वो नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर दोनों का डिफरेंस नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है। हमको क्या समझना है कि अगर फैसिलिटेटर या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को बिजनेस ला के देते हैं तो इस केस में कमीशन इनको मिलेगा और बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में उस कमीशन के अमाउंट पे टैक्स पे करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। सर्विस प्रोवाइड कौन है? सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एजेंट ऑफ अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मान लीजिए जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ने अपॉइंट किया है उसके कुछ एजेंट्स है, उसने अपने अंदर 5-6 लोग रख रखे हैं, ठीक है। तो जो एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, वो किसको सर्विस दे रहा है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, है ना। तो ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है ये गवर्नमेंट को आरसीएम में टैक्स पे करेगा। मतलब इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? हमने पढ़ा था सेक्शन 24 में कि अगर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? फाइन। तो फर्स्ट इज बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंकिंग कंपनी। टैक्स कौन पे करेगा? बैंकिंग कंपनी।
अगर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? फाइन. ये लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी इंपॉर्टेंट है. हाँ फ्रेंड्स, ये होगा तो ही आरसीएम में टैक्स लगेगा, नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा अंडर रिवर्स चार्ज. समझ आ रहा है? यस. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये वैसे मैं आपको एग्जेम्पशन के चैप्टर में पढ़ाने वाला था, बट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो कर लेते हैं. सर्विस प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स इन अ ब्रांच लोकेटेड इन रूरल एरिया आर एग्जेम्प्ट. मतलब जो बिजनेस फैसिलिटेटर है वो, ये इसके लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 12 के लिए. जो बिजनेस फैसिलिटेटर है अगर वो रूरल एरिया में, रूरल एरिया का कोई अकाउंट ओपन कर रहा है ना, क्या बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन ब्रांच लोकेटेड इन रूरल एरिया, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा. वो ट्रांजेक्शन थ्रू एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ठीक है, एक और बार रीड करते हैं. सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन अ ब्रांच लोकेटेड इन रूरल एरिया. रूरल एरिया की जो ब्रांच है वहां पे अगर कोई बिजनेस लाता है बिजनेस फैसिलिटेटर, और उसका जो कमीशन का जो पोर्शन है उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो कमीशन का अमाउंट क्या है, एग्जेम्प्ट. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? फाइन. नेक्स्ट देखते हैं. सिक्योरिटी सर्विसेस. सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉरपोरेट. बॉडी कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए. बॉडी कॉरपोरेट होगा तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज. ठीक है, सो एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉरपोरेट इज अ सर्विस प्रोवाइडर. कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी सर्विसेज. किसको? अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी. कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा. अगर अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम अप्लाई नहीं होगा. समझ आ रहा है? अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं. एक्सेप्शन नंबर वन इज अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है उस पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. नंबर टू इज डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसीज विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 51 एंड आर नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज. ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़े. मे बी क्यों? क्योंकि उनके गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल नहीं है. उनको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा? उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा सेक्शन 51 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने के लिए, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए. हमने प्रीवियस सेशन में समझा था. किस केस में समझा था? जीटीए के केस में. ठीक है, तो अगर कोई डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का या लोकल अथॉरिटी का, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है और उसने एज अ टैक्स डिडक्टर अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है ना, और उसको सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड हो रही. कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉरपोरेट. तो इस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होगा. समझ आ रहा है फ्रेंड्स? क्लियर है? फाइन.